आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माता सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले में धनौल्टी हिल स्टेशन के पास एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो आइए चलिए, ये पैदल रास्ता है और आजकल यहाँ रोपवे भी बन गया है। तो अगर आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप रोपवे का भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टिकट लेना है रोपवे का, और उसके बाद ये देखिए रोपवे अभी आ रहा है ऊपर से, और काफ़ी ही खूबसूरत छोटे छोटे एक बॉक्स जैसे बने हुए हैं जहाँ पे बैठ के आप रोपवे से मंदिर जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि सुरकंडा माता मंदिर आप कैसे जाएं और वहाँ पे पहुँचने के क्या साधन हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रोपवे में हम आ चुके हैं और रोपवे से ही हम जाने का प्रयास करेंगे। बारिश हल्की हल्की हो रही है, मौसम साफ था लेकिन अचानक ही हल्की हल्की बरसात, और जैसे जैसे ये रोपवे ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा डर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल ही आसमान में जा चुके हैं और अचानक ही रोपवे रुक जाता है बिल्कुल ऊपर जा कर के। डर बढ़ता जाता है क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बिल्कुल ही काफ़ी गहराई नज़र आती है, लेकिन यह एक अलग ही रोमांच है। और रोपवे से हम देखिए, ये येलो कलर का रोपवे वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये ब्लू कलर का जो रोपवे है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मौसम यहाँ पे काफ़ी सर्द रहता है, और वैसे तो जब दिसंबर और जनवरी का महीना होता है तो यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिसके कारण से सारी पहाड़ियाँ और ये मंदिर के रास्ते सब कुछ बर्फ़ से ढक जाता है। मंदिर प्रांगण में हम पहुँचने वाले हैं। रोपवे से जब आप उतरते हैं तो इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से बस थोड़ा सा ही पैदल चल के हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ की ऊँचाइयों पर, और यहाँ से जब आप देखते हैं हर तरफ तो आसमान ऐसा लगता है कि आप आसमान के बिल्कुल ही पास हैं, और नीचे गहरी पहाड़ियाँ और ठंडी ठंडी हवा, अलग ही दृश्य है यहाँ का। सुरकंडा देवी माता मंदिर पहुँच गए हैं और ये काफ़ी हाइट पे है। उत्तराखंड के कन्हा ताल में ये मंदिर स्थित है। ये शक्तिपीठ है और आज सुबह ही ऐसा प्लान हुआ कि यहाँ आते हैं, रोपवे से आए हैं, और हाइट तो मुझे देखना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि नीचे पहाड़ जो है वो काफ़ी नीचे हो गया है और ये मंदिर काफ़ी ऊंचा, काफ़ी भव्य और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर। बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इस मंदिर पे आऊं और यहाँ माता के दर्शन करूं। आज हम पहुंच गए हैं सुरकंडा देवी माता मंदिर। आइए चलिए आपको और हम विजिट कराते हैं मंदिर का। उनियाल गाँव में धनौल्टी से थोड़ी दूर पर स्थित यह मंदिर सुरकंडा देवी को समर्पित है, जो देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठों में से एक है। कोहरे धुंध, प्रचुर मात्रा में हरियाली और रंगीन फूलों के बीच स्थित सुरकंडा देवी मंदिर एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल होने के साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र का एक शानदार 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है। जबकि उत्तर में हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा जा सकता है, दूसरी तरफ ऋषिकेश और देहरादून घाटी को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पर्यटकों को मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना पड़ता है, जो सुरकंडा देवी मंदिर की यात्रा को और अधिक रोमांचक बना देती है। वैसे आप सुरकंडा देवी माता मंदिर आप रोपवे से भी आ सकते हैं। रोपवे की सुविधा चालू कर दी गई है और आज हम उसी रोपवे के माध्यम से ऊपर आए हैं। टिहरी जिले का एक हिस्सा होने के नाते मंदिर एक शीर्ष पर्यटन स्थल है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। सुरकंडा देवी मंदिर का इतिहास मूल रूप से उस समय का है जब माता सती के मृत शरीर को भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र ने 51 टुकड़ों में काटा था, जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरे थे, जिसके बाद उन हिस्सों पर माता को समर्पित शक्ति पीठों का निर्माण किया गया था। ठीक उसी प्रकार इस पहाड़ी पर भी माता सती का
सर आकर गिरा था, जिसके बाद यहाँ सुरकंडा देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन सुरकंडा देवी मंदिर के निर्माण की वास्तविक तिथि आज भी अज्ञात है, परंतु वर्तमान में मंदिर का पुनः निर्माण किया जा चुका है। सुरकंडा देवी मंदिर अगर आप दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं तो अपनी यात्रा सुबह में शुरुआत करें, और हम आपको जानकारी सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में देना चाहते हैं कि यह मंदिर सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है। इस दौरान आप कभी भी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान से मंदिर की विस्तृत और आरामदायक यात्रा के लिए 2-3 घंटे का समय अवश्य ही निकालें। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ही एक सुंदर वातावरण में यह मंदिर स्थापित है, और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे जहाँ से आप हिमालय की अलग अलग चोटियों को भी देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि सुरकंडा मंदिर यात्रा के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ घूमने के लिए जो मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो घूमने के लिए जो सबसे खास समय है वो मॉनसून को छोड़ करके पूरा साल आप घूम सकते हैं। मॉनसून में भारी बारिश के कारण यहाँ पे भूस्खलन होने का डर बना रहता है, इसीलिए जुलाई से अगस्त के बीच भारी मॉनसून के समय में यहाँ से जाने से बचना चाहिए। सुरकंडा देवी मंदिर धनौल्टी से 8 और चंबा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर है। धनौल्टी या चंबा पहुँचने के लिए आप स्थानीय वाहनों की मदद से पहुँच सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से आप सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। काफ़ी देर से हम इस मंदिर में घूम रहे हैं, धूप आज काफ़ी तेज है, आसमान साफ है और हर तरफ एक खूबसूरत नज़ारा फैला हुआ है। पर्यटक आज बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आए हैं, लेकिन जब हम इस मंदिर पे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमें नीचे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हर तरफ खूबसूरत वातावरण और खूबसूरत नज़ारे हैं, और यह मंदिर अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहाँ पे हमेशा ही पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। हमारा तो अचानक ही प्लान बन गया कि सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन करने चलते हैं, और सुरकंडा माता का यह प्रसिद्ध सिद्धपीठ मसूरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर और चंबा से 24 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। सुरकंडा देवी उत्तराखंड के सबसे ऊंचे शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, और इस मंदिर से उत्तर में त्रिशूल पर्वत, चौखंबा, नंदा देवी, बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री के शिखरों के भी भव्य दर्शन होते हैं। यहाँ से दून घाटी, मसूरी, नई टिहरी, चंबा, कुंजापुरी, चंद्रबदनी के भी दर्शन होते हैं। यह मंदिर अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण शीत ऋतु में यहाँ खूब बर्फबारी होती है, और यह शीतकाल में अधिकांश हिमाच्छादित रहता है। यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ पे पर्यटकों की संख्या काफ़ी रहती है, और ख़ास करके जब कोई आयोजन होता है तो उस टाइम यहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है। यह आसमान में जो बादल आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम काफ़ी ऊपर हैं और बादल नीचे है। काफ़ी ही खूबसूरत दृश्य, जिसे कि हम बार बार अपने कैमरे में कैद करने से रोक नहीं पा रहे थे, और काफ़ी समय बिताने के बाद हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि इस मंदिर के आसपास का जो दृश्य है वो वास्तव में देखने लायक है। और इस मंदिर जब बर्फबारी होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो उस समय कितना भव्य होगा, कितना सुंदर होगा। ऐसा लगता है कि जब कभी शांति और मन को एकांत की जरूरत हो तो इस मंदिर पे आकर के घंटों बैठे रहें। सुरकंडा माँ के धाम में साल भर पूजा अर्चना चलती रहती है। यहाँ हर मौसम में भक्तों का तांता लगा रहता है, और पूजा विधि में प्रतिदिन सुबह 7 बजे माँ को शुद्ध घी और आटे से निर्मित हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा सात्विक विधि से पुष्प, धूप, दीप आदि से संपन्न होती है,
और साल के दो नवरात्रों शीत और ग्रीष्म नवरात्रों में खास पूजा अर्चना यहाँ होता है और इस समय माता के काफ़ी भक्त सुरकंडा माँ के दर्शन हेतु आते हैं। हर साल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा के दिन यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी होता है और दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते रहते हैं। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट टू फिर अगले भाग में आप देखिए।